हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विंग। तो आप सभी को अपने फोन में अवेलेबल एक स्टोर के बारे में पता ही होगा, एक ऐसा स्टोर जिसमें बहुत सारी एप्स होती है। कुछ ऐसी एप्स जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, आपकी स्किल्स को एनहेंस करती हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और कुछ ऐसी एप्स भी हैं जो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, आपका नुकसान करती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एप्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगी और आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेंगी। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट ऐप इज ड्यूओलिंगो। ये एक ऐसी ऐप है जो आपको दो तरीकों से इंग्लिश सीखने में मदद करती है। आपको ओपन करते ही दो ऑप्शंस देती है, पहला कि या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप एक बिगनर हैं, आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, तो ये आपको स्टार्टिंग में कुछ लेवल्स देता है जिनको क्लियर करते करते आप इंग्लिश सीख सकती हैं। तो पहला लेवल इसमें होता है कि ये आपको कुछ वर्ड्स देता है जिसको आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता है। फिर सेकेंड लेवल में ये आपको वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस देना स्टार्ट करता है, जिसमें आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में। जब भी आपको कोई एक सेंटेंस गिवन होगा, आपको उसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, तो ये आपको गेम की हेल्प से ये करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास हिंदी मीनिंग के जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो सभी वर्ड्स जंबल्ड फॉर्म में गिवन होते हैं, और आपको इंग्लिश सेंटेंस को उन जंबल्ड वर्ड में से चूज करके हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। और जब आपको हिंदी में सेंटेंस दिया होता है, तो उसके लिए आपको तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। आपको उन तीन ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर चूज करना होता है। तो इस ऐप की खास बात क्या है, ये आपको ट्रांसलेशन सिखाता है, फिर आपसे ट्रांसलेशन कराता है, और इसी तरह से जंबल्ड फॉर्म वाले गेम की हेल्प से ये आपको इंग्लिश सिखाता है। अब इससे होता क्या है, ये एक तरीके से आपके लिए रिपीटेशन करता है। पहले ये आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा है और फिर आपसे ट्रांसलेशन करा रहा है, तो ये हो गया एक रिपीटेशन। अब जब आप किसी एक चीज को बार बार रिपीटेशन के साथ सीखते हैं, तो वो आपकी मेमोरी में सेट हो जाता है, और इसी के साथ साथ जब आप उन सेंटेंसेस को बार बार सुनते हैं, तो आपकी विजुअल लर्निंग के साथ साथ ऑडिटरी लर्निंग भी इंक्रीज होती है। ये ऐप सिर्फ आपकी ट्रांसलेशन में ही नहीं, बल्कि सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर सिखाने में भी हेल्प करता है। और क्योंकि जब आप उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को सुनते हैं, तो आपकी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव होती है। और अब अगर आप स्टार्टिंग में सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी ये आपको थोड़े आगे के लेवल से स्टार्ट कराता है। इस ऑप्शन में ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन करने को देता है, और इससे आपकी इंग्लिश चेक होती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस ऐप का, चाहे आप इस ऐप को कितने भी दिन में कितने भी बार खोलें, ये आपको वहीं से स्टार्ट कराएगा जहां से आपने उसको छोड़ा था। कहते हैं प्लेइंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, खेल खेल में सीखना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके का एक ऐप है हिंकोच, मेड इन इंडिया ऐप है। ये आपको खेल खेल में चैलेंजेस की हेल्प से इंग्लिश सिखाता है। और इसकी खास बात क्या है, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, यानी कि आपके पास इंटरनेट है या नहीं, आप इसको फिर भी यूज कर सकते हैं। हिंग कोच की हेल्प से आप डेली एक नया वर्ड सीखते हैं, यानी कि अगर आपने रोज दिन में एक बार भी इसको ओपन किया, तो 30 दिन में आप 30 नए वर्ड्स सीख सकते हैं, और साथ में आप उस वर्ड का यूज भी जान सकते हैं कि उस वर्ड को कहाँ, कब और कैसे यूज किया जाता है। आप उसके एंटोनियम्स जान सकते हैं, आप उसके सिनोनियम्स जान सकते हैं, और हर लेवल के बाद ये आपको देता है वोकैबुलरी टिप्स। इसमें आप वर्ड गैस गेम यानी कि स्क्रैबल भी खेल सकते हैं, जो वोकैबुलरी इंप्रूव करने का बेस्ट गेम माना जाता है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है आपका वर्ड टूल सेक्शन। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड की प्रोनंसिएशन चेक कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है फोन में, लैपटॉप में या फिर पेपर पे, तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। और होता क्या है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाते हैं।
अब अगर आप उनमें से किसी भी एक वर्ड पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको उस वर्ड का मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग एंड उसके एंटोनियम्स एसनोनियम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हिंग खोज ऐप से आप हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इम्प्रूवमेंट इन वोकैबुलरी, वर्ड यूज, एंटोनियम्स एसनोनियम्स सब कुछ एक साथ खेल खेल में सीख सकते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ये जरूरी नहीं कि जिसको वोकैबुलरी और ग्रामर आती है वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि हम इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश को कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प करता है हमारा थर्ड ऐप जो है हमारा हेलो इंग्लिश, जिसमें 470 प्लस लेसन्स हैं आपको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स की हेल्प से आप न्यू लेवल्स को ओपन कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसको यूज करने से आप ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, आपको ग्रामर भी आती है और आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए इसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी के सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं और ग्रामर के लिए इसमें बेस्ट पार्ट है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की हेल्प से ग्रामर सिखाई जाती है। कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपको ग्रामेटिकल वर्ड्स फिल करने होते हैं एंड देन आपके लिए ओपन होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। और फिर लास्ट में आपको मिलती है एक स्पेशल टिप जिसकी हेल्प से आप सीख सकते हैं कि आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कैसे करते हैं। एंड देन आपको दिया जाता है एक कॉन्वर्जेशन डेमो जिसमें दो जने बात कर रहे होते हैं और आप उनकी कॉन्वर्जेशन सुन के इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हर लेवल को क्लियर करने के बाद आप इसमें ट्रांसलेशन गेम्स खेल सकते हैं और यही नहीं कि आपको वो गेम्स अकेले खेलने होते हैं, आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ वो गेम खेल सकते हैं अगर वो भी ये ऐप यूज करते हैं। उसके बाद आपको इसमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें आप खुद बोलकर भी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट यूजफुल एप्स दैट आर वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल टू लर्न इंग्लिश एंड एनहेंस योर इंग्लिश लर्निंग स्किल्स। कीप वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।